हम हर समय सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन में सक्षम होने के लिए हमें हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और अच्छे मूड में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? मुझे ऐसा लगता है कि जब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज और सकारात्मकता के विषय की बात आती है तो इतना कंफ्यूजन है कि लोग अक्सर गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और मैनिफेस्टेशन के बारे में उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जिसको लेकर लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वाइब्रेशन क्या चीज है। हमारे ब्रह्मांड में हर एक चीज लगातार घूम रही है, इसीलिए वो वाइब्रेट करती रहती है। ज्यादातर मैटर का 99.9% पार्ट केवल ऊर्जा है। हर चीज को एनर्जी में तोड़ा जा सकता है, और चूंकि हमारे थॉट्स एंड इमोशंस एनर्जी हैं, इसका मतलब है कि वो गतिशील और स्पंदनशील भी हैं, मींस वाइब्रेशन भी कर रहे हैं और मूविंग भी हैं। हम स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के कारण वाइब्रेशंस को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं और उन्हें हमारे ब्रेन में भेजे गए न्यूरल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करते हैं। ये देखते हुए कि हर एक चीज एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन शब्द को केवल इमोशंस तक सीमित रखना भ्रमित करने वाला हो सकता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भ्रम यही होता है जब लोग एक निश्चित वाइब्रेशन पर होने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज वाइब्रेशन है। लोग एक दूसरे के साथ गुड वाइब्स या वाइबिंग के बारे में बात करते हैं, जिसका अक्सर मतलब होता है कि उन्हें किसी चीज के बारे में एहसास होता है या ये किसी की ऊर्जा को महसूस करते हैं। लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है जिससे वाइब्रेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इमोशंस और मनोदशा का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। यही कारण है कि चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग चीज के लिए एक ही शब्द का उपयोग कर रहा है और वो इतने करीब से जुड़े हुए हैं कि अंतर बताना मुश्किल है। वाइब्रेशन और इमोशंस के स्थान पर किसी पर्टिकुलर इमोशनल लेवल या फिर इमोशनल स्टेट के बारे में बात करना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो अक्सर यही कंप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि स्पष्ट होना बेहतर है और बहुत ही समान चीजों के लिए समान अवधारणाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वो है ये स्पष्ट करना कि हायर वाइब्रेशंस में होने का वास्तव में क्या मतलब है। यहीं पर मुझे लगता है कि चीजें भ्रमित करने वाली हैं, क्योंकि अलग अलग लोग हायर वाइब्रेशन के बारे में अलग अलग तरीकों से बात करते हैं। इसीलिए मैं इसे इस संदर्भ में परिभाषित करूंगा जिसके बारे में ज्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट्स बात करते हैं। हायर वाइब्रेशन का अर्थ है सकारात्मक भावना का अनुभव करना, और सकारात्मक भावनाएं हैं संतोष, आशा, उत्साह, प्रेम, शांति और कृतज्ञता। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, क्या मैनिफेस्टेशन वाइब्रेशन से आती है? देखिए, सिर्फ इसलिए कि फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी वाइब्रेट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन सीधे वाइब्रेशन से ही आती है। देखिए, मैं वाइब्रेशन का रोल नकार नहीं रहा हूं, बस आपको इतना समझाना चाहता हूं कि वाइब्रेशन भी एक हिस्सा है जो आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने में मदद करता है। लेकिन वाइब्रेशन के अलावा आपके विश्वास, आपका इमोशनल लेवल वाइब्रेशन को बनाता है जो आपकी इच्छा को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन ये कहने जैसा है कि जीवित रहना हवा में सांस लेने से आता है। हाँ, जीवित रहने की प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यही कारण है कि आप वास्तव में जीवित हैं। देखिए, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप इसे जान जाएंगे। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है और उसे बनाया भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन ही आपके मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक कारण नहीं है। मैनिफेस्टेशन के लिए हमें हमेशा ही हायर वाइब्रेशन पर होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मान्यताओं को मैनिफेस्ट होने के लिए हमारी इच्छाओं से तेज वाइब्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बिल्कुल राइट वाइब्रेशन की आवश्यकता है। इससे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव मूड की आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें एक बात याद रखनी होगी कि मैनिफेस्टेशन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणाम शामिल हैं। हम सदैव हर समय मैनिफेस्ट करते रहते हैं। हमारे साथ प्रतिदिन घटित होने वाली सभी अच्छी और बुरी चीजें मैनिफेस्टेशन ही हैं। तो क्या आपको मैनिफेस्टेशन के लिए हर समय खुश महसूस करने की जरूरत है? जवाब ना है।
ये एक आम गलत फहमी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके डिजायर मैनिफेस्टेशन के लिए आपको हर समय सकारात्मक महसूस करना होगा। ये बिल्कुल सच नहीं है। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के रास्ते पर बने रहने में मदद करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं आंतरिक मार्गदर्शन का एक रूप है। आपके विचार उन चीजों को आकर्षित करके आपकी वास्तविकता बनाते हैं जो उनके साथ वाइब्रेशनल मैच खाती हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आप जो थॉट सोच रहे हैं वो आप जो चाहते हैं उसके साथ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में है? ऑन एन एवरेज प्रत्येक व्यक्ति 60,000 से अधिक विचार सोचता है। आप हर दिन विचार पर तो नजर नहीं रख सकते ना। यही पर इमोशंस काम आती है। आपकी भावनाएं आपकी इनर गाइडेंस सिस्टम से एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। जब आप खुश या सकारात्मक महसूस करते हैं तो आपका आंतरिक मार्गदर्शक आपको बता रहा है कि आपके प्रेजेंट थॉट्स आपकी इच्छा के अनुरूप हैं। जब आप बुरा या नकारात्मक महसूस करते हैं तो आपका आंतरिक मार्गदर्शक आपको बता रहा है कि आपके प्रेजेंट थॉट्स आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। आपकी इमोशनल गाइडेंस सिस्टम एक उपकरण है जो आपको बताती है कि आप अपनी इच्छा के अनुरूप हैं या नहीं हैं। इसीलिए आपको हमेशा चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए हायर वाइब्रेशनल स्टेट पर रहने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप एक नॉर्मल ह्यूमन हैं। कभी गुस्सा, कभी खुशी, ऐसी भावनाएं हम अक्सर महसूस करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और जब आप दुखी होते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस लो। तो ऐसे में आप खुद ही बताइए कि आप हमेशा खुद को एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल पर कैसे रख सकते हैं। और जब आप ऐसी अप्रत्याशित उम्मीदें जब आप खुद से लगाते हैं और फिर परिणाम नहीं मिलते तो हताश होना स्वाभाविक है। देखिए, मैनिफेस्टेशन एक कला है जो आपको समय के साथ धीरे धीरे आ जाएगी। लेकिन जब आप इसको अपने ऊपर बहुत हावी होने देते हैं तभी चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। मैनिफेस्टेशन किसी चीज को पाने के बारे में नहीं है, ये बनने के बारे में है। जितना अधिक आप जाने देते हैं उतना अधिक आप जो चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त बन जाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि हम जो चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम अपनी प्रेजेंट रियलिटी को इसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं ताकि दोनों एक हो जाएं? देखिए, हम ये कल्पना करके एक नई रियलिटी मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारे पास एक विश्वास प्रणाली है जो हम चाहते हैं। हमें बस अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए अपनी मान्यताओं को बदलने की जरूरत है। वाइब्रेशन के संदर्भ में हम ये मान सकते हैं कि ये हमारी डिजायर्ड रियलिटी के साथ समान रूप से मेल खाता है। जब वाइब्रेशंस मेल खाते हैं तो हमारी नई वास्तविकता मैनिफेस्ट होती है। तो इसका मतलब है कि बिलीफ सिस्टम के वाइब्रेशंस के सटीक मिलान करने के लिए हमें ऐसे बिलीफ की आवश्यकता नहीं है जो बहुत कम हो या जो बहुत अधिक हो। हमें ऐसे बिलीफ्स वाइब्रेशन की आवश्यकता है जो बिल्कुल सही हो। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।